Well, we've been speaking about the resurrection of Jesus Christ from the dead. हम लोग यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे थे मृतकों में से. From Romans 1:4, we learn that it is proof that he is the Son of God. रोमियो 1:4 से हमने देखा कि यह इस बात का प्रमाण है कि वह यीशु परमेश्वर का पुत्र है. In Romans 4:25, रोमियो 4:25 में we learn that it is proof that we are justified. हमने सीखा कि यह इस बात का प्रमाण है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं. In Acts chapter 2:34-36, प्रेरितों काम 2 अध्याय 34 से 36 पद में we learn that it is proof that Jesus Christ is Lord. हमने सीखा कि यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु प्रभु हैं. In Acts 17:31, प्रेरितों काम 17 अध्याय 31 पद it is proof that Christ will judge all mankind. यीशु सब मनुष्यों का न्याय करेंगे. Now we're going to look at the resurrection as the proof of the new age of the Spirit. अब हम देखेंगे यीशु नए युग की आत्मा का प्रमाण है. Let's read Acts chapter 2:33. आइए हम प्रेरितों काम 2 अध्याय 33 पद से पढ़ें. Now he says, therefore, having been exalted to the right hand of God, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, सर्वोच्च पद पाकर पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त करके, he has poured forth this which you both see and hear. उसने इसे उंडेल दिया जिसे तुम देखते और सुनते भी हो. Now it speaks of the Holy Spirit as that which was promised. अब यह प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है. Jesus spoke many times about the Holy Spirit. यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई बार पवित्र आत्मा के बारे में बात की. And he gave them great promises with regard to the Holy Spirit. उन्होंने उनको बड़ी प्रतिज्ञाएं दी पवित्र आत्मा के विषय में. He also taught how important the Holy Spirit would be in the Christian life. उन्होंने ये भी बताया कि कितना महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में पवित्र आत्मा. But the promise is not only the promises which Jesus spoke of. पवित्र प्रतिज्ञा सिर्फ यीशु मसीह ने जो कही अपने शब्दों में वो नहीं है. But also the promises in the Old Testament. इस बात की प्रतिज्ञा हम पुराने नियम में भी पाते हैं. Throughout the Old Testament, especially in the prophets. पुराने नियम में विशेषकर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में we have this idea of a new covenant that was to come. वहां पर हमको विचार मिलता है नई वाचा का. And in this new covenant there was the emphasis on the work of the Spirit of God. नई वाचा के विचार जहां पर मिलते हैं वहां पर हम पाते हैं पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में. That the Spirit of God would regenerate hearts. पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो आत्मा है वह नया हृदय देगी. And he would write the law of God on his people's hearts. वह पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर उसकी व्यवस्था को लिखेगी हृदय में. The Spirit would also be poured out on God's people. पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर उंडेला जाएगा. All of God's people परमेश्वर के सभी लोगों के ऊपर would live in the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में जीते हैं. It is very difficult to teach on the Holy Spirit पवित्र आत्मा पर शिक्षा देना बहुत कठिन है. Because of all the heresy that exists in evangelicalism heresy. In the church false teaching. अच्छा, क्योंकि सारी गलत इच्छाएं जो सुसमाचार प्रचार करने वाले मसीही लोग हैं उनके मध्य में पाई जाती हैं. Now immediately you're probably thinking of the charismatics. हो सकता है आप इस समय सोच रहे हैं वह लोग जो charismatic लोग हैं उनके बारे में. And their false teaching. उनकी गलत इच्छाओं के बारे में. But also not so much false teaching as false practice of reformed people. केवल उनके बारे में नहीं लेकिन जिन लोगों का परिवर्तन हुआ है जो लोग जिन लोगों ने रिफॉर्म देयर आर टू एक्सट्रीम्स दो जो हैं वो बहुत
विचारधाराएं हैं. One extreme is seen in the charismatic movement. एक वो है जो charismatic लोग हैं उनके मध्य में देखा जाता है. They place great emphasis on the spirit. वे लोग पवित्र आत्मा पर बहुत अधिक ध्यान बात करते हैं. But with false teaching. लेकिन गलत शिक्षाओं के साथ में. On the other side, we have men who have very good doctrine. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं. But the work of the Holy Spirit is almost not even mentioned among them. लेकिन वहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जाता है. It's almost that they are afraid of the Holy Spirit. ऐसा लगता है कि वो लोग पवित्र आत्मा से भयभीत हैं. Because of all the false teaching on the other side. क्योंकि दूसरी तरफ जो गलत शिक्षाएं हैं उनकी वजह से. Brothers, you cannot live the Christian life apart from the Holy Spirit. भाइयों, पवित्र आत्मा के बिना हम मसीही जीवन को नहीं जी सकते. You cannot minister to God's people apart from the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के लोगों की सेवा नहीं कर सकते. You can't tie your shoes without the Holy Spirit. आप अपने जूता बांध सकते हैं पवित्र आत्मा के बिना. He's absolutely essential. वो पूरी रूप से आवश्यक है, बहुत आवश्यक है. So we're going to talk about this a little today. आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. I want you to first go for just a moment to the book of Ezekiel. यह स्केल की पुस्तक में हम लोग चले थोड़ी देर के लिए. Chapter 36. 36 अध्याय. यह स्केल की पुस्तक उसका 36 अध्याय. Well, let's look at 37 first. 37 नंबर 37 पर पहले देखेंगे. अध्याय 37 पर हम पहले ध्यान देंगे. Here we have the valley of dry bones. यहां पर सूखी हड्डियों की घाटी है. They were very, very dry bones. वहां पर ऐसी हड्डियां हैं जो पूरी रीति से सूखी हुई हैं. So here is the prophet standing in the middle of a desert. यहाँ पर भविष्यवक्ता उस घाटी के मध्य में खड़ा हुआ है. And he is surrounded by the dry bones of dead men. वह मरे हुए लोगों की सूखी हड्डियों के मध्य से घिरा हुआ है. The reason why it says they were very dry is that there was no life at all in them. ये हड्डियां बहुत सूखी हुई का कारण ये है कि उनमें जीवन एकदम नहीं है. It was impossible to bring them back to life. उनमें जीवन को वापस लाना असंभव की स्थिति है. There is nothing a man can do to resurrect dry, dead bones. उन सूखी और मरी हुई हड्डियों के लिए एक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है जीवन प्रदान करने में. And Ezekiel is told to prophesy to the wind. यह यहेजकेल को कहा गया कि वह हवा को प्रचार करे. It's representative of the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है. The Holy Spirit comes and he resurrects these dead bones. पवित्र आत्मा आता है और इन हड्डियों को उठाता है, जीवित जीवन देता है. And makes them into living men. और उन्हें जीवित मनुष्य बनाता है. That is evangelism. वही सुसमाचार प्रचार है. When you go out to do evangelism, जब आप सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, you are standing in a desert. आप सूखी घाटी में खड़े हैं, जंगल में. And all the people that you are talking to are nothing more than dead, dry bones. जिन लोगों से आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वे लोग सूखी मरी हुई हड्डियों से अधिक कुछ नहीं है. There's nothing you can do to convert them. उनको परिवर्तित करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते. It doesn't matter how smart you are. चाहे जितना अधिक बुद्धिमान हो इससे कोई मतलब नहीं है. It doesn't matter how good a speaker you are. कितने अच्छे वक्ता हैं इस बात का भी कुछ मतलब नहीं है. It doesn't matter how good your arguments are. कितने अच्छे तर्क देते हैं आप इस बात का भी कुछ मतलब नहीं है. They are dead. वे लोग मरे हुए हैं. Spiritually dead. आत्मिक रूप से मरे हुए हैं. They are blind. वे लोग अंधे हैं. They are dead. वे लोग मरे हुए हैं. They cannot hear. वे लोग नहीं सुन सकते हैं. They are spiritually dead. वे लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं. So how can they become converted? अब उनका परिवर्तन कैसे हो सकता है? You are responsible for preaching the gospel. आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिम्मेदार हैं. But the Spirit of God must come and make them alive.
लेकिन परमेश्वर के आत्मा को आना जरूरी है कि उनको जीवन प्रदान करे. Man, this is so important. भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है. People do evangelism today. लोग आज सुसमाचार प्रचार करते हैं. And they do not realize that sinners are dead. लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि पापी लोग मरे हुए हैं. And so they think they can do something to convert them. इसलिए वो लोग सोचते हैं कि वह कुछ कर सकते हैं उनको बदलने के लिए. Using strategies and all sorts of evangelistic techniques. रणनीतियां और तमाम तरह की तकनीकी का उपयोग करने के द्वारा. No, brothers. भाइयों, नहीं. We are to preach the gospel to them. हमें सुसमाचार का प्रचार करना है उनको. We are to intercede for them. हमें उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है. We are to serve them sacrificially. हमें त्याग के साथ उनकी सेवा करनी है. But the spirit of the living God must come and make them alive. लेकिन जीवित परमेश्वर की आत्मा को आना अवश्य है कि उनको जीवन प्रदान करे. The more you trust in the preaching of the gospel, जितना अधिक आप सुसमाचार प्रचार पर भरोसा करते हैं, the more the spirit of God will come and make people alive. उतना अधिक परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का आत्मा आएगा और लोगों को जीवन प्रदान करेगा. The more you trust in the arm of the flesh, जितना अधिक आप शरीर के the strength of शक्ति पर विश्वास करते हैं, the more you trust in the wisdom of man, जितना अधिक आप मनुष्यों की बुद्धि पर विश्वास करते हैं, the more you trust in strategies and techniques, जितना अधिक आप रणनीति पर और तकनीकी पर विश्वास करते हैं, the less you will see of the power of the Holy Spirit, उतना कम आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को काम करते हुए देखेंगे. They're dead. वह लोग मरे हुए हैं. They can only be made alive supernaturally. उनको केवल अस्वाभाविक रूप से ही जीवन प्रदान किया जा सकता है. You must be supernatural men. आपको अस्वाभाविक व्यक्ति बनना है. With a supernatural message. अस्वाभाविक संदेश के साथ में. And you must rely on a supernatural spirit. आपको अवश्य ही अस्वाभाविक आत्मा पर निर्भर होना है. Do you see that? क्या आप देखते हैं इस बात को? We are not little administrators. हम लोग छोटे जो प्रबंध करने वाले लोग हैं उनके समान नहीं हैं. We are supposed to be men of God. हमें परमेश्वर का लोग होने की जरूरत है. Who walk out into the desert of this world. वह लोग इस संसार के रेगिस्तान में चलते हैं. And prophesy to dead bones, preach to dead bones. जो सूखी हड्डियों को प्रचार करते हैं. And if we preach faithfully, यदि हम विश्वास योग्यता के साथ प्रचार करेंगे, God is going to resurrect some of those bones. परमेश्वर उनमें से कुछ हड्डियों को जीवन प्रदान करेगा. That's the truth, brothers. वही सच्चाई है यहाँ पर. This is the work of the Spirit of God. ये है जो पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आत्मा का कार्य है. Now, if you look in Ezekiel chapter 36, आइए हम यहेजकेल 36 अध्याय. We have a beautiful picture of conversion. यहाँ पर बहुत अच्छी तस्वीर है परिवर्तन की. In verse 26, 26 पद, he says, "I will give you a new heart." वो कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा. And I will put a new spirit within you. वो कहता है, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. And I will remove the heart of stone from your flesh. तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर and I will give you a heart of flesh. तुम्हें मांस का हृदय दूंगा. Brothers, this is supernatural. यह अस्वाभाविक है. This is not just someone changing their mind. यह ऐसा नहीं है कोई उनके मस्तिष्क का परिवर्तन कर रहा है. This is not someone just making a decision. कोई यह ऐसी बात नहीं है कोई एक निर्णय ले रहा है. The gospel is preached. सुसमाचार प्रचार किया गया. The spirit of God comes. परमेश्वर का आत्मा आता है. And he takes out that wicked heart of stone. वह पत्थर का दुष्ट हृदय को निकालता है. And he puts in its place a heart of flesh that can respond to God. अब वह उसके अंदर मांस का हृदय डालता है जो परमेश्वर को प्रत्युत्तर करेगा. Do you see what's going on here? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? We have one picture of dead bones being raised up. यहाँ पर एक तस्वीर है जो सूखी हुई हड्डियों को जीवन दिया जाता है. Dead bones being made into live people. सूखी हड्डियों अब जीवित लोग बन गईं. Here we have a stony dead heart. यहाँ पर एक है पथरीला मरा हुआ हृदय.
and it's made alive. उसको जीवन मिल गया. Can you do that? क्या आप कर सकते हैं वो? Can your techniques and strategies do that? क्या आपकी तकनीकी और रणनीतियां ये कर सकती हैं? Absolutely not. नहीं. The Spirit of the Living God can do that. परमेश्वर जीवित परमेश्वर का आत्मा ही ये कर सकता है. And He does that when we preach the gospel. और वह तब इस कार्य को करता है जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं. That's why the gospel is the power of God for salvation. इसीलिए सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. Verse 27. He says, "I will put my Spirit within you." वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर अपना एक नई आत्मा डालूंगा. And cause you to walk in my statutes. और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा. And you will be careful to observe my ordinances. और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे. It's the Spirit of God, brothers. परमेश्वर का आत्मा ये करता है. He makes a person a new creature. वह एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनाता है. And he puts his spirit in them. और वह उनके अंदर अपना आत्मा डालता है. And the spirit of God moves them. और परमेश्वर का आत्मा उनको चलाता है. And empowers them. और उनको सामर्थ प्रदान करता है. These are the things promised in the Old Testament. ये चीजें हैं जो पुराने नियम में प्रतिज्ञा की गई थी. But now let's go to another passage. आइए हम दूसरे खंड पर चलें. Let's go back to Acts. आइए प्रेरितों के काम में. Chapter 2. दो अध्याय. Now in chapter 2 we have the day of Pentecost. अब यहाँ पर जो पिंतेकोस्त का दिन है. The Spirit of God is poured out on the disciples. पवित्र परमेश्वर का आत्मा शिष्यों के ऊपर उंडेला गया. And they began to speak in tongues. और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे. And the people began to make fun of them. और लोग उन पर हंसने लगे. And Peter stands up and says, "These men are not drunk." पत्रस खड़ा होता है और कहता है कि ये लोग नशा किए हुए नहीं हैं। But what you are seeing is the fulfillment of the prophecy of Joel. और वो कहता है कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह योयल से जो प्रतिज्ञा की गई थी उसका पूरा होना है। He says in verse 17. 17 पद में। And it shall be in the last days, God says. परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। The last days. अंतिम दिनों में. When did the last days begin? अंतिम दिन कब आरंभ हुए? Some people say the last days began about 20 years ago. कुछ लोग कहते हैं कि शायद 20 साल पहले वो आरंभ हुए. The charismatics say that the last days began about, I don't know, last century when the Spirit of God was poured out and the charismatics began. जो बहुत अधिक अद्भुत चिन्ह करने वाले charismatic लोग हैं वो कहते हैं शायद कुछ समय पहले जब ये आंदोलन आरंभ हुआ तब अंतिम दिन आरंभ हुए. Peter tells us. पत्रस यहाँ पर हमें बताता है. The last days began. अंतिम दिन आरंभ हो गए. With the coming of the Messiah. मसीह के आगमन से. His death and resurrection. उसके मृत्यु और पुनरुत्थान से. And his exaltation. और उसके ऊंचे पर उठाए जाने के द्वारा. We have been living in the last days for 2,000 years. हम लोग जो हैं पिछले 2,000 वर्षों से अंतिम दिनों में जी रहे हैं. The Messiah has come. मसीह आ गया. And he has formed a new people. और उसने नया समुदाय को बना दिया. Under a new covenant. नई वाचा के द्वारा. And they are a people of the gospel. वे लोग सुसमाचार के लोग हैं. They are a people of the spirit. वे लोग आत्मा के लोग हैं. It says that I will pour forth my spirit on all mankind. वहां पर लिखा है मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा. Now look what's going to happen. देखिए क्या होने जा रहा है. First of all, he says on all mankind. पहले कहता है सब मनुष्यों पर. All the believers, सब विश्वासियों पर, all the people of God have this promise. परमेश्वर के सब लोगों के लिए यह प्रतिज्ञा है. Not just the preacher or the evangelist. केवल प्रचारक और सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों नहीं. All the people of God have the promise that God will pour out His Spirit upon them. परमेश्वर के सब लोगों के लिए यह प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उंडेलेंगे. And your sons and daughters shall prophesy. तब आगे कहता है कि तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबुवत करेंगे. And young men shall see visions. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. And old men shall dream dreams. तुम्हारे वृद्धजन स्वप्न देखेंगे. There will be an increase in revelation and understanding. इसका मतलब ये है
कि जो प्रकाशन है वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. In Jeremiah, there is a new covenant promise. यर्मिया में नए वाचा की प्रतिज्ञा है. That says they will all know God from the least of them to the greatest of them. वहाँ पर इस प्रकार कहता है कि छोटे से बड़ा तक सब परमेश्वर को जानेंगे. We know that throughout church history, हम लोग जानते हैं कलीसिया के इतिहास में, especially in those places where the gospel is just entering in for the first time, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ सुसमाचार पहली बार पहुँचा, that there are people who have had dreams and visions and things that advance the gospel. वहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वप्न देखे, दर्शन देखे, और इसने सुसमाचार को और भी आगे बढ़ाया. I don't deny that. हम उसका इनकार नहीं कर सकते. Although I will say this. लेकिन इस बात को ऐसे कहेंगे. Most of the people who claim to have dreams and visions have not had dreams and visions from God. बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने स्वप्न और दर्शन प्राप्त किए हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे. I will not say it cannot happen. ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. I know of instances in Peru where this has happened. ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रमाण है कि ऐसा हुआ. But it always conforms to the scriptures. लेकिन यह हमेशा वचन के द्वारा प्रमाणित होता है. If it contradicts the scriptures, it's not from God. लेकिन यदि यह दर्शन वचन के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है या वचन का विरोध करता है तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है. Let me give you an example. एक उदाहरण. A friend of mine who did not believe this. आपका एक मित्र जो इस बात पर विश्वास नहीं करता था. But he was a good missionary. लेकिन वो अच्छा सेवक था. He did not believe that God would ever speak to anybody through a dream. वो ये विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर किसी से सुसमाचार के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात कर सकता है. And one day he went way up in the Andes mountains. वो एक दिन एक पर्वत पर गया, एंडीज जिसका नाम है. And he was walking through a village that he had never been in. जब वो गांव में चल रहा था जहां वो कभी नहीं गया था. And an old lady come running up to him in the village. एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई उसके पास आई गांव में. And she was yelling at everyone. She was saying, "Every, listen to me, listen to me." और वो इस प्रकार कह रही थी, मुझे सुनो, मुझे सुनो. She said, "There's the man." वो लोगों से कहती, वहाँ एक व्यक्ति है. "There's the man that was in my dream." वहाँ एक मनुष्य है जो मेरे दर्शन में था. "The man that's going to tell us about God." और यह मनुष्य मुझे हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा. Can God do things like that? क्या परमेश्वर इस प्रकार के कार्य कर सकता है? Absolutely. Yes. But let me tell you this. लेकिन हमें यह बताने दें आपको. Most people who claim to have dreams and all these things, it's false. बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि उन्होंने दर्शन प्राप्त किए, वह गलत है. If it does not conform to the scriptures, it's not of God. यदि वह परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है. But I think that we have taken this text the wrong way. We've interpreted this the wrong way. भाई कह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि हमने इस वचन का गलत अनुवाद किया है. The idea is not that you're going to receive some spectacular dream or vision. यहां पर उसका मतलब ये नहीं, विचार ये नहीं है कि आप कोई विशेष स्वप्न या दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं. The idea is that all of God's people are going to know him. विचार ये है कि परमेश्वर के सभी लोग उसको जानेंगे. They're going to understand things about him. लोग परमेश्वर के बारे में चीजों को समझेंगे. They are not going to be ignorant. वे लोग अनजान नहीं रहेंगे. They will know God. वे लोग परमेश्वर को जानेंगे. And they will have wisdom from God. उनको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त होगी. And they will be able to understand the scriptures. वे लोग वचनों को समझेंगे. I worked for many years with the mountain peoples of the Andes in Peru. Andes के पहाड़ी लोगों के साथ बहुत दिन तक आप थे. Many of them had no education. उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास शिक्षा नहीं है. They could barely read. वे लोग बहुत मुश्किल से पढ़ सकते हैं. But they would sometimes say the most amazing truths about God. लेकिन वो लोग कई बार बहुत अद्भुत बातें बताते हैं परमेश्वर के विषय में. What is that? क्या है वो? It's a fulfillment of this. वो इस वचन का पूरा होना है. It's a fulfillment of all the new covenant promises that says that these people, my people, will know God. वह नए वाचा की उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना है कि मेरे लोग मुझे जानेंगे.
Now, brothers, this is very important. भाइयों, यह बहुत महत्वपूर्ण है. Some of you who are here have not had a lot of seminary training, maybe. आप में से कई लोग जो यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत सारे बाइबल कॉलेज या सेमिनरी में नहीं गए. I want to encourage you. हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं. You can know God and understand God's word. आप परमेश्वर को और उसके वचन जान सकते हैं और वचन को समझ सकते हैं. Now we need to know how to read. हम जानते हैं, हमें जानने की जरूरत है कि आप कैसे पढ़ना है. And we need to know principles of how to interpret the Bible. और हमें यह समझने के वचन को समझने के जो तरीके हैं उनको जानने की जरूरत है. But the Spirit of God is the one who teaches. लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो है जो हमें सिखाता है. You can understand the great truths of Scripture. आप परमेश्वर के वचन के महान सत्यों को समझ सकते हैं. And you can make those truths known to the most humble Christian. और आप बहुत नम्र मसीहियों को उन सत्यों को बता सकते हैं. If you ever say this, यदि आप कभी भी ये कहते हैं, the people that I preach to are very, very uneducated. जिन लोगों को प्रचार किया जाता है वो बहुत अशिक्षित हैं. Therefore, I cannot teach them many of the things in the Bible. इसलिए मैं बाइबल की कई शिक्षाएं उनको नहीं दे सकता. If you ever say that, यदि आप कभी भी ये कहते हैं, you have become just like the Catholic Pope. आप कैथोलिक पोप के समान बन गए हैं. And you have stolen the Bible from God's people. आपने बाइबल को चुरा लिया है परमेश्वर के लोगों से. It is the task of the preacher to explain these truths. प्रचारक का काम है इन सत्यों की व्याख्या करना. My oldest son is 9 years old. आपका जो बड़ा बेटा है वो 9 वर्ष का है. My youngest son is 7 years old. आपका छोटा बेटा 7 साल का. We have done verse by verse studies of the following books. आपने जिन पुस्तकों के नाम बता रहे हैं उनको पद पद करके अध्ययन किया है. We have exegeted verse by verse the book of 1 John. पहला योहन्ना को एक-एक पद करके उन्होंने अध्ययन किया है. 2 John. दूसरा योहन्ना. 3 John. तीसरा योहन्ना. The Gospel of John. योहन्ना का सुसमाचार. The entire book of Romans. रोमियो की पूरी पुस्तक. We're working on Colossians right now. अभी कुलुसियों पर कार्य कर रहे हैं साथ मिलकर. And they're almost through the book of Proverbs for the first time. और नीति वचन एक बार कर चुके हैं उनके साथ में. What is my point? आपका कहना क्या है? The Bible is for everyone. बाइबल हर एक जन के लिए है. Teach the Bible. बाइबल सिखाएं लोगों को. By the Spirit of God, a little child can understand the Bible. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक छोटा बच्चा भी बाइबल को समझ सकता है. The most uneducated person in your village can understand the Bible. सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आपके गांव का बाइबल को समझ सकता है. Because this is a work of the Spirit of God. क्योंकि यह परमेश्वर के आत्मा का कार्य है. Now some of you who have studied a lot. अब आप में से कुछ लोग जिन्होंने बहुत अधिक अध्ययन किया है. This is a warning for you. यह आपके लिए चेतावनी है. There are some wrong, very wrong ideas out there today. वहाँ यहाँ पर कुछ बहुत गलत विचार हैं. That if you learn all the correct principles of hermeneutics or Bible study. यदि आप व्याख्या मूलक प्रचार के सही तरीकों को या अध्ययन के तरीकों को सीख लेते हैं. And you know how to do the grammar. यदि आप जानते हैं व्याकरण कैसे करें. And you correctly interpret the grammar. यदि आप व्याकरण की सही व्याख्या करते हैं. That you understand the text. आप वचन को समझते हैं. And you can preach it to people. और आप लोगों को इसकी शिक्षा दे सकते हैं. That is wrong. ये गलत है. Now we must study the scriptures. हमें वचन का अध्ययन करना जरूरी है. We must know the principles of hermeneutics. हमें व्याख्यामूलक प्रचार के तरीकों को सीखना जरूरी है. We must be very concerned about grammar and language. हमें व्याकरण और भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. But unless you are on your knees, you will not understand that passage. लेकिन जब तक आप अपने घुटनों पर नहीं होते हैं तब तक आप स्थल को नहीं समझ सकते. And unless you are on your knees, you will not be able to preach that passage. और जब तक आप घुटनों पर होकर नहीं सीखते हैं तब तक आप खंड का प्रचार नहीं कर पाएंगे. I have seen a lot of brilliant men preach.
आपने कई सारे बुद्धिमान लोगों को प्रचार करते हुए सुना है. And the things they said were correct. जो बातें उन्होंने कही वो सही थी. But it was also as dead as a concrete floor. लेकिन वो उस प्रकार से मरी हुई थी जैसे ये फर्श है नीचे जमीन इसकी. Once you understand the grammar of the scripture you're going to preach, जब आप व्याकरण समझ लेते हैं वचन का जो आप प्रचार करने जा रहे हैं, you must meditate on that text. हमें उस खंड पर मनन करना आवश्यक है. You must feed upon that text. You must eat that text. हमें उसको खाना जरूरी है. You must cry out for God to help you understand it and apply it. हमें परमेश्वर को पुकारना जरूरी है कि उसे समझने में और लागू करने में हमारी सहायता करें. You must cry out for God's power to preach it. हमें परमेश्वर की सामर्थ को मांगना है उसका प्रचार करने के लिए. Do you understand? समझ रहे हैं इस बात को? Amen. Amen. Some of you guys are as dead as those bones in Ezekiel. आप में से कुछ लोग उस प्रकार से मृतक हैं जैसे यहेजकेल की वो हड्डियां. Amen. 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 Okay, I just want to make sure that you're alive. ये निश्चित कर लेना चाहते थे कि आप लोग जीवित हैं. Now. अब. We're going to talk about some things that are very controversial. अब हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करना चाहते हैं जो विरोधाभासी हैं. But I've already spoken with the pastor and asked his permission. लेकिन अंकल से उन्होंने पहले ही बात कर ली है और पर इस बात की अनुमति ले ली है. The charismatics tell us that we need to pray for the baptism of the Holy Spirit, and when we have it, we'll speak in tongues. Charismatic लोगों को सिखाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए और अन्य भाषा बोलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए. I do not believe that that is what the scriptures are teaching. हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं. वह वचन हमको इस बात की शिक्षा देता है. The other extreme says this. दूसरे जो लोग हैं वो ये कहते हैं. When you were saved, जब आप बच गए, you received all of the Holy Spirit that you're ever going to receive. आपने संपूर्ण पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है जो आपको कभी मिलना था. And you never need to pray regarding the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के संबंध में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. I do not believe that either. हम उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं. I believe the scriptures teach this. हम ये विश्वास करते हैं कि वचन ये सिखाता है. That when a person is saved, जब एक व्यक्ति बच गया, they are regenerated by the Holy Spirit. उनका नया जन्म हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा. And they are indwelt by the person of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है. In that sense, we can say that the moment you believe, you have the Holy Spirit. हम इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जिस क्षण आपने विश्वास किया, उस क्षण पवित्र आत्मा आपने पाया. Now let's go to just for a minute. Go to Luke chapter 11. आइए हम लोग लूक का उसका 11 अध्याय में चलें थोड़ी देर के लिए. लूक का उसका 11 अध्याय. Let's read verse 13. 13 पद को पढ़ें. Chapter 11, verse 13 of Luke. लूका 11 अध्याय 13 पद. अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देता? Yes. How should we interpret this passage? हम इस खंड की व्याख्या कैसे करें? Because he's saying ask. क्योंकि यहां पर कहता है कि मांगो. Now, let me just share with you some of my favorite preachers of all time. अब वो अपने जो उनके बहुत ऐसे प्रचारकों के बारे में बताएंगे जिनको बहुत पसंद करते हैं वो. My favorite of all time is Charles Spurgeon. Charles Spurgeon जिनको उन्होंने हमेशा पसंद किया है. Also have great admiration for Martin Lloyd Jones. Martin Jones. Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Also, just for your information. आपकी जानकारी के लिए one of the books that to me is most helpful on this topic इस विषय पर उनके लिए जो सबसे सहायक रही है किताब is the book
Pentecost today. आज के दिन पेंटिकोस्ट. By Ian Murray. Ian Murray की लिखी हुई. Ian Murray. Ian Murray की लिखी हुई. And I believe that both Ian Murray and Charles Spurgeon, I believe that they had have a tremendous balance with regard to the Holy Spirit. इन दोनों चीजों में चार्ल्स स्पर्जन की शिक्षाओं में और इस किताब में उन्होंने पाया पूरी बैलेंस शिक्षा जो है. That the Christian is indwelt with the Holy Spirit. मसीही लोग जो हैं उनके साथ पवित्र आत्मा रहता है. Every Christian possesses the Holy Spirit. हर एक मसीही के पास में पवित्र आत्मा है. But that as we live our Christian life, जैसे जैसे हम अपना मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, we begin to see our weakness, don't we? हम अपने कमजोरियों को देखने लगते हैं. When you enter into the ministry, you begin to see how weak you are. जब आप सेवा में प्रवेश करते हैं, आप देख पाते हैं कितना कमजोर हैं आप. Just an utter failure. जैसे दूसरी कमजोरियां. Do you know what I'm talking about? आप जानते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. Do any of you understand what I'm saying? आप लोग समझ रहे हैं इन बातों को जिनके Have बारे में बात कर रहे हैं? Have you ever experienced weakness as a Christian? आपने एक मसीही होने के नाते कमजोरियों को महसूस किया? Have you ever seen great weakness in the ministry? आपने सेवा में कमजोरियों को महसूस किया? You can't do anything, it seems. कि ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते. What should we do? हम क्या करें? We should cry out to God for greater and greater empowerings of the Holy Spirit. हमें परमेश्वर को पुकारना है और अधिक से अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए. Greater and greater manifestations of His working in our life. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जो कार्य कर रहा है उसके महान से महान कार्य को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए. Brothers, this is absolutely essential. ये बहुत ही जरूरी है. You will not be effective in the ministry. आप सेवा में तब तक प्रभावशाली नहीं होंगे. Apart from the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के बिना. Crying out constantly for greater and greater measures of His power. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के और अधिक भरपूरी के लिए प्रार्थना करना है. So that you can minister in the name of Christ and bring glory to God. ताकि आप मसीह यीशु के नाम में सेवा कर सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें. Sometimes in my weakness, कई बार मेरी कमजोरी में, it's almost as though God pulls back at time the influence and power of His Spirit. ऐसा लगता है परमेश्वर अपनी सामर्थ की आत्मा की सामर्थ को वापस ले लेता है. And at that time, I almost want to give up. ऐसी स्थिति में मैं छोड़ देना चाहता हूँ. Preaching is powerless. प्रचार जो है सामर्थ रहित हो जाता है. There's very little godliness and life. बहुत कम भक्ति है उसमें और जीवन है. I have no boldness, no courage. No साहस. साहस नहीं होता ऐसी स्थिति में हमारे पास. But that is the way many of Christ's ministers are ministering all the time. लेकिन बहुत सारे सेवक लोग इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं हमेशा. Many of God's men are constantly just weakness. परमेश्वर के बहुत सारे सेवक कमजोरी में सेवा कर रहे हैं. Their wisdom is human. उनकी जो बुद्धि है वो मानवीय है. They have no boldness. उनके अंदर साहस नहीं है. No insight into the scriptures. वचन की समझ नहीं है. There is no fruit. कोई फल नहीं है. They need to cry out to God. उनको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है. We cannot live the Christian life apart from the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के बिना हम मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं. We can't minister apart from the Spirit of God. हम सेवा कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं. Christianity has just become so intellectual. मसीहियत केवल
बहुत अधिक बुद्धिमान बुद्धि की बात बन जाती है. It's almost become like a business with strategies. ये कई बार व्यवसाय और रणनीति की बन के रह जाती है. How many of you have gone out for 7 days and cried out to God, fasting and prayer for the power of the Holy Spirit on your life? आप में से कितने लोग 7 दिन के लिए प्रार्थना किए हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए? We are men of God. हम लोग परमेश्वर के लोग हैं. We are men who are to be in His presence. हम ऐसे लोग हैं जिनको उसकी उपस्थिति में होना है. We are to be supernatural men. हमें अस्वाभाविक लोग बनना है. Empowered by the Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा. Brothers, this do you? Well, let me say it this way. हमें इस बात को ऐसे कहने दें. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Do you? Some people say he read 1,000 pages a day. लोग कहते हैं कि वो 1,000 पन्ने हर दिन पढ़ते थे. He preached so many sermons that they fill up an entire wall of my library. उन्होंने बहुत सारे संदेश प्रचार किए जिनसे लाइब्रेरी भरी हुई है आपकी. And in all these years, I have yet to find one bad sermon in there. और उनमें से कोई भी संदेश ऐसा नहीं था जो खराब हो. He was over I don't know how many different Christian institutions. उनको नहीं मालूम है कितने अधिक मसीही जो स्कूल हैं वहाँ पर. Orphanages. जो अनाथालय हैं. And missionary societies. जो सेवा करने वाली संस्थाएं हैं. How do you think he did all that? ये सब कैसे कर पाए वो? Do you think he was just an unusually strong man? क्या आप सोचते हो बहुत अधिक सामर्थी व्यक्ति थे? Do you think he was just unusually intelligent? क्या आप सोचते हैं वो साधारण बुद्धिमान व्यक्ति थे? Brothers, you're thinking in the flesh. आप शारीरिक रूप से सोच रहे हैं. It was the spirit of the living God. ये जीवित परमेश्वर का आत्मा ने किया. Now God did give him an unusual intellect. परमेश्वर ने इसको साधारण बुद्धि में नहीं किया. And God gave him great gifts. परमेश्वर ने उसको महान वरदान दिए. But it was the power of the Holy Spirit. लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य थी. Someone said to Spurgeon one time. किसी ने स्पर्जन के बारे में एक बार ये कहा. How you do the work of more than one man? आप एक व्यक्ति से अधिक कार्य करते हैं. He says because I am more than one man. उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक मनुष्य से अधिक बढ़कर हूँ. It is Christ who lives within me. यह मसीह है जो मेरे अंदर जीवित हैं. Don't you see that? क्या आप उसको देख नहीं सकते हैं? Let me give you an example. एक उदाहरण देंगे. Now, I want you to close your eyes. हम चाहते हैं कि आप आंखें बंद कर लें अपनी. Now I'm looking to see if you do it or not. आप आंखें बंद करें सब लोग अपनी देख रहे हैं वो आपको. Now I want you to picture Samson in your mind. हम चाहते हैं कि आप कल्पना करें सिमसोन के विषय में अपने मस्तिष्क में. What did he look like? कैसा दिखता है वो? Okay, now open your eyes. आंखें खोल लें अपनी. He had long hair, didn't he? उसके पास लंबे लंबे बाल थे. And he's about this tall. हो सकता है इतना लंबा. And about this big. बहुत मोटा. With big muscles. बहुत चौड़ी चौड़ी बाहें. Muscles like my brother here. मेरे समान उसकी बाहें. Is that the way you pictured him? क्या आप इस प्रकार से उसकी कल्पना करते हैं? You're thinking in the flesh. आप शारीरिक रूप से सोच रहे हैं. I don't care how big a man is. हम इस बात की चिंता नहीं करते कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है. He cannot pick up the gates of a city. वह एक शहर के दरवाजों को फाटकों को उखाड़ नहीं सकता. And carry them up a hill. और उसको पर्वत पर नहीं ले जा सकता है. He cannot kill thousands of people. वह एक बार में 1,000 लोगों को नहीं मार सकता. At one time. एक बार में. All by himself. और स्वयं. The strongest man in the world can't push down a building. असामर्थी व्यक्ति एक बिल्डिंग को भवन को नहीं गिरा सकता है. Notice the Philistines didn't know where his strength came from. आप ध्यान दें फिलिस्ती लोग सोचते को नहीं मालूम था फिलिस्ती लोगों को नहीं मालूम था कि उसकी बुद्धि कहां से सामर्थ कहां से आती है. So apparently he wasn't really big. इसलिए वो बहुत बड़ा नहीं था ऐसा लगता है. And he didn't have huge muscles. उसके बहुत बहुत अधिक बलवान नहीं था वो शारीरिक रूप से. He was a normal man. वह आम व्यक्ति था. It was the spirit of God. यह परमेश्वर का आत्मा था. The spirit of God did that. परमेश्वर की आत्मा ने महान कार्य कराया उससे. Not a man.
यह मनुष्य नहीं था. How does Elijah run 40 miles? आपको मालूम है एलिशा कैसे 40 मील तक दौड़ता गया? Or however far he ran, how did he do that? आप सोच सकते हैं कैसे एलिशा कर सकता था इस बात को 40 मील तक दौड़ना? Do you think he just, you know, had really good tennis shoes on? आप क्या सोचते हैं बहुत अच्छे उसके जूते रहे होंगे? You think he'd been practicing for the marathon? क्या वो मैराथन के लिए अभ्यास करता रहा होगा? He beat the king's horses. He went faster than the king's horses. वो राजा के घोड़ों से अधिक तेज दौड़ रहा था. It was the spirit of the living God. यह परमेश्वर की आत्मा था जो उसको चला रहा था इस प्रकार से. And you say to yourself, आप अपने आप से कहें, Boy, I wish I lived back then. I wish I lived during that time. आप मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि मैं उस समय जीवित होता. I've heard people say, I wish I lived in the Old Testament. मैं अपेक्षा करता हूँ कि पुराने नियम के समय में रहता. Where God did great things. जब परमेश्वर ने महान कार्य किए. Brothers, the new covenant's better than the old covenant. भाइयों, हमारे पास जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से उत्तम है. The Spirit of God has been promised to all of God's people. परमेश्वर की आत्मा प्रत्येक परमेश्वर के जन के लिए प्रतिज्ञा की गई है. Some of you, when you were called into the ministry, आप में से कई लोग जब सेवा के लिए बुलाए गए, you said to yourself, I need training. आपने अपने आप से कहा मुझे प्रशिक्षण चाहिए. That's good. बहुत अच्छा है वो. You did. आपने किया. How many of you said, I need the power of the Holy Spirit? आप में से कितने लोगों ने ये कहा अपने आप से मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए? Very few. बहुत कम लोगों ने. It's amazing how much. यह अद्भुत बात है कितना अधिक. Charles Spurgeon talked about these types of things. Charles Spurgeon इन चीजों के बारे में बात करते हैं. Everyone talks about his great mind. लोग उसकी महान बुद्धि के बारे में बात करते हैं. Charles Spurgeon would have talked about the great spirit of God. Charles Spurgeon अपने परमेश्वर की आत्मा की महानता के बारे में बात करते हैं. Brothers, have you ever been reading through the scriptures? भाइयों, क्या ऐसा हुआ है कि कभी आप वचन को पढ़ते रहे हो? And you're reading a passage that you've read many times. आप ऐसा खंड कोई पढ़ रहे हैं जिसको आपने कई बार पढ़ा है. And all of a sudden that passage just comes alive to you. और एकदम से वो वचन आपके प्रति लिए जीवित हो जाता है. That's the spirit of God. वही है जो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है. That is the spirit of God. परमेश्वर का आत्मा. Have you ever been maybe a certain day in which you just felt the power to live the Christian life? क्या किसी दिन ऐसा हुआ है कि आपने सामर्थ महसूस की मसीही जीवन जीने के लिए? You just felt like you were being carried by God in His strength. आपने महसूस किया कि परमेश्वर के द्वारा आप संचालित किए गए और उसकी सामर्थ के द्वारा? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ. Have you ever witnessed to somebody? क्या आपने किसी को गवाही दी है? And you walked away after witnessing to them. और गवाही देने के बाद में आप आते हैं. And you're almost afraid. और आप डरे हुए हैं. Because you said things you'd never even dreamed of before. क्योंकि आपने ऐसी बातें कही हैं जिनके बारे में आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था. You had power to explain the gospel. आपके पास सामर्थ थी सुसमाचार की व्याख्या करने के लिए. You could answer their questions with things you had never even thought of. आपने उनके उन प्रश्नों का उत्तर दिया जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था. That's the work of the Spirit of God. यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य है. That is your inheritance. यह आपका उत्तराधिकार है. Don't let the charismatics steal it from you. आप charismatic लोगों को यह चुराने न दें आपसे. You are to be people of the Spirit. आपको आत्मा के लोग होना है. Brothers, theology and doctrine are very important to me. भाइयों, धर्म सिद्धांत, धर्म विज्ञान और सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं. But there's something difficult to understand in church history. लेकिन कलीसिया के इतिहास में कुछ ऐसा है जो बहुत कठिन है समझना. There are people of God throughout church history that everyone recognizes were used of God in a great way. कलीसिया के इतिहास में आप हमेशा पाएंगे कि परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे. And yet they were oftentimes very different. और हमेशा वो लोग भिन्न लोग थे.
And they even differed sometimes in their doctrines about certain things. कई बार उनके कुछ सिद्धांत अलग-अलग थे. But they were mightily used of God. लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी रूप से प्रयोग किए गए. Why is that? ऐसा क्यों हुआ? The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा. There's two things that I have found that they had in common. दो बातें हमने पाई हैं, आपने पाई हैं, वो हैं समान थीं. A deep and real prayer life. गहरी और वास्तविक प्रार्थना का जीवन. And a dependence upon the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा पर निर्भरता. Empowered by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा. Brothers, every day of your life, you need to be praying for greater and greater manifestations, empowerings of the Holy Spirit. भाइयों, आप सबको परमेश्वर की सामर्थ के लिए हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है. Every time you feel a weakness against sin, you're having struggles with sin. हर समय जब पाप के साथ संघर्ष के लिए आप कमजोरी महसूस करते हैं. You need to cry out for greater and greater fillings and outpourings of the Holy Spirit. आपको परमेश्वर की सामर्थ की और उड़ेले जाने की पवित्र आत्मा को उड़ेले जाने की के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है. Every time you can't understand a passage, cry out for the Holy Spirit to fill you and teach you. हर समय जब आप वचन के खंड को नहीं समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारें कि आपको सिखाए. And especially when you're preaching. विशेषकर जब आप प्रचार करते हैं. And you have a sense that there's no power. आप महसूस करते हैं कि आपके पास सामर्थ नहीं है. There's no wisdom. कोई ज्ञान नहीं आपके पास. Cry out for greater and greater empowerings of the Holy Spirit. परमेश्वर की महान से महान सामर्थ के लिए पुकारें. Just yesterday, as I was preaching, कल जब आप प्रचार कर रहे थे, I recognized there was a deadness. आपने महसूस किया कि वहाँ पर कुछ मृत्यु जैसी स्थिति थी. I was struggling. आप संघर्ष कर रहे थे. What is the need? क्या जरूरत था? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ. This morning the Lord wakes me up at 2 in the morning. आज सुबह आप 2 बजे उठ गए, पर प्रभु ने आपको उठाया. 1 in the morning actually. 1 बजे. To be with him. ताकि उसके साथ समय व्यतीत करें. To cry out to fill that need. उस कमी को पूरा करने के लिए. To empower. उस सामर्थ प्राप्त करने के लिए. To strengthen. सामर्थ प्रदान करने के लिए. Brothers, it's true. यह सत्य है भाइयों. You need a prayer life. आपको प्रार्थना का जीवन चाहिए. You've got to have the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है. Are you going to be worthless? उसके बिना आप कुछ भी नहीं हैं. I don't care how smart you are. हमको इस बात की चिंता नहीं है कि आप कितना बुद्धिमान हैं. Cry out for God. परमेश्वर के लिए पुकारें. Look at the men that God has used in India. भारत में ऐसे लोगों के लिए देखें जिनको परमेश्वर ने उपयोग किया. What made them different? परमेश्वर ने उनको भिन्न बना दिया. I submit to you two things. आपको दो बातें बताएंगे आपको. Their prayer life. उनका प्रार्थना का जीवन. And the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवनों में. Just look at those men, study their lives. उन लोगों के को देखें और उनके जीवन का अध्ययन करें. Why is it that God will sometimes use the most humble man among us? ऐसा क्यों होता है परमेश्वर हमारे मध्य में से सबसे नम्र व्यक्ति का उपयोग करता है? Because he knows he's not smart. क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत बुद्धिमान नहीं है. He knows he doesn't have a great education. उसको मालूम है कि उसके पास बहुत शिक्षा नहीं है. He knows if God doesn't do something, nothing's going to happen. क्योंकि वो जानता है यदि परमेश्वर उसके साथ कुछ ना करे तो कुछ नहीं होगा. You know what most missionaries will tell you? आपको मालूम है बहुत सारे सेवक लोग आपको क्या बताएंगे? Cross cultural missionaries. विशेषकर ऐसे सेवक जो दूसरी संस्कृति में सेवा करते हैं. Missionaries that have to learn another language before they can preach. ऐसे सेवक लोग जिनको दूसरी भाषा सीखना पड़ा इसके पहले कि वो प्रचार करें. They will tell you that the most powerful message they ever preached was the first one they preached in that new language. वे आपको बताएंगे सबसे सामर्थी संदेश जो उन्होंने प्रचार किया नई भाषा में पहला संदेश जो था उनका. Because they were so afraid. क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे. They were so limited in their ability to use that language. वे अपनी सामर्थ पर बहुत अधिक भयभीत थे कि वो कैसे इस भाषा का उपयोग करेंगे. That they spent days crying out for God to help them. और इसके लिए उन्होंने
कई दिन व्यतीत किए परमेश्वर को पुकारने में उनकी सहायता के लिए. Some of the most powerful sermons I've preached have been in Spanish. कई सारे सामर्थी संदेश आपने प्रचार किए वो स्पेनिश भाषा में थे. Because I don't speak Spanish as well as I do English. क्योंकि अंग्रेजी के समान उन्होंने वो स्पेनिश नहीं बोलते हैं. And so I'm crying out to God, help me. तो ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर को पुकार रहे थे कि आप सहायता करें मेरी. Holy Spirit, you must speak through me. पवित्र आत्मा आप अवश्य ही मेरे द्वारा होकर बोलें. A dear friend of mine who's gone on to be with the Lord. आपका एक प्रिय मित्र जो आप प्रभु के साथ है. His name was Homer Crane. Sorry. His name was Homer Crane. उनका नाम था Homer Crane. And even after he learned Spanish, he couldn't speak Spanish well. यद्यपि उसने भाषा स्पेनिश सीखी थी फिर भी वो अच्छे से नहीं बोल सकता था. He had very sound doctrine. उसकी सिद्धांत बहुत अच्छे थे. Was reformed. जो पुनर्जागरण वाले लोग हैं उनके उनमें से था वो. And he told me, he said, the first sermon he ever preached in Spanish. उसने आपको बताया कि पहला संदेश जब उसने स्पेनिश में प्रचार किया. It was in the Andes Mountains. वो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उस पर. In the open air. एक खुले स्थान पर. He said a big crowd was gathered in the plaza. उसने बताया कि एक प्लाजा में बहुत भीड़ जमा थी. And he got up to preach. और वो खड़े हो गए प्रचार करने के लिए. He said he couldn't think of anything. अब वो कह रहे थे कि वो सोच नहीं सकते थे किसी चीज के बारे में. But he had been crying out to God for help. लेकिन वो परमेश्वर की सहायता मांग रहे थे. He could barely speak the language. वो भाषा बोलना उनके लिए बहुत कठिन था. And he said he looked up into the heavens. उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा. And he saw the stars. उन्होंने तारों को देखा. And he cried out to the people. उसने वो लोगों को की ओर चिल्लाए. Miren las estrellas. Look at the stars. लोगों तारों की ओर देखो. The one who made them, he died for you. जिसने उन तारों सितारों को बनाया वो आपके लिए मर गया. Believe in him. उस पर विश्वास करें. And that night about 30 or 40 people were converted. उस दिन 30 से 40 लोगों ने विश्वास किया. You see, brothers, we must recognize our weakness. भाइयों, हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है. We must. हमें अवश्य पहचानना है. Because only then will we go to God. क्योंकि तभी हम परमेश्वर के पास जाएंगे. And cry out for his help. उसकी सहायता के लिए मांगेंगे. Oh brothers, this is not one tiny thing. This is very essential. भाइयों, ये ऐसी बात कोई हल्की बात नहीं है. ये बहुत जरूरी है. Well, let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, I pray that you will bless your people. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को आशीष दें. And that they will glorify Christ. जिसके द्वारा वह मसीह को महिमा दे सकें. And that you will use them in a mighty way. प्रभु, आप उनको सामर्थी रूप में प्रयोग करें. In Jesus' name. मसीह के नाम में. Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.